हेलो नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथी, जैसा कि आपको पता है कि अगस्त 23 से आपके एग्ज़ाम दोबारा से हैं और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही हो। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी धुआंधार तरीके से चल रही होगी और इस बार पूरी उम्मीद है कि आप सेलेक्ट होंगे और आपके कंधों पर भर्ती होगी। आइए छोटे से सेशन में हम बात करते हैं कि हमारे जो सिलेबस में एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स, जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताए थे, हम उस पॉइंट को टच कर रहे हैं, उन बिंदुओं को टच कर रहे हैं जहां से छोटा मोटा सवाल बनता है। यहां देखिए मैंने लिखा है कि पंचवर्षीय योजना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है ये योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था। आज़ादी के बाद सबसे पहले योजना आयोग का गठन हुआ और सबसे पहले पंचवर्षीय योजना बना दी गई। पंचवर्षीय योजना में 5 साल की रणनीति होती है सरकार के द्वारा, सरकार को अगले 5 साल में क्या करना है, कितनी ग्रोथ करनी है, कितना डेवलपमेंट करना है, ये सब होता था पंचवर्षीय योजनाओं में। हमको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने उन्होंने पहली बैठक में ये निर्णय लिया कि अब कोई योजना आयोग जैसी संस्था नहीं रहेगी, उसकी जगह पर नीति आयोग होगा। और जैसे ही 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया, उस दिन से हमारे यहाँ से पंचवर्षीय योजना धीरे से समाप्त हो गई। लेकिन जो अंतिम पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो खत्म हुई है 2017 में। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है, हमारे लिए दो तरीके से सवाल आ सकता है। एक तो जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, इसका क्या टाइम पीरियड रहा है? और खासतौर से 3 बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं कि 3 बार पंचवर्षीय योजना बनाई ही नहीं गई, उस समय अवकाश रहा है। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है कि पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई तो उसने लक्ष्य क्या निर्धारित किए। तो आइए कुछ चीजें लिख के रखिए, जल्दी से इसको एक्सप्लेन करते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको देख के जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको सवाल मिलेगा। तो चलिए जैसे हम यहां पर देखें तो हमने यहां पर ऑलरेडी पहले कुछ चीजें लिख रखी हैं। जैसे हमने लिखा पंचवर्षीय योजना, तो ये जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहले हम जानते हैं, हमने कहा पंचवर्षीय योजना जो बनाता था उसका नाम तो योजना आयोग था। उस योजना आयोग के द्वारा 5 साल का जो प्लानिंग बनाई जाती थी उसको पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान कहते थे। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 1951 में बनी और 5 साल के लिए है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से चली है 56 तक। हमको याद करना बड़ा आसान है, एक रिदम में आ जाता। तो 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना है और 56 से 61, 56 में 5 जोड़िए 61 हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, और 61 से लेकर 66 तक हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। जैसे ही हम चौथी पंचवर्षीय योजना के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे इसकी शुरुआत 1969 में हो रही है। इसका मतलब इसके बीच में जो 3 साल का, बोले तो 3 वर्ष का गैप है, ये जो 3 वर्ष का गैप है इसको हम योजना अवकाश कहते हैं। क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है कि युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान का, भारत और चाइना का, जिसके चक्कर में हमने अगले 5 साल कोई योजना नहीं बनाई है। तो ये 69 से लेके 69 में 5 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा, ये चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल गरीबी उन्मूलन का आता है, ये कब शुरू हुई है? 74 से 78। हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका बड़े ध्यान से देख लीजिए। बाकी सब में 5-5 साल की प्लानिंग थी, यहाँ 74 से शुरू किया है और 74 के बाद सीधा, बोले तो ये पंचवर्षीय योजना हुए है जो अपने कार्यकाल से पहले समाप्त कर दी गई, अर्थात पंचवर्षीय योजना है लेकिन ये पंचवर्षीय योजना 78 में समाप्त कर दी गई। जैसे ही हम 6वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो 78 के बाद फिर यहाँ के बीच में आप जानते हैं 2 वर्ष का गैप होगा और आप देखेंगे 1980 से लेकर 1985 तक आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 85 से शुरुआत करेंगे, 85 और 5 90, यहाँ तक हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है। जब हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना हो गई है तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से देखते हैं हम, 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 है। अब 7वीं पंचवर्षीय की योजना के बाद हमारे सामने आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो 90 पे खत्म हो रही है लेकिन यहाँ पर आप देखिए 92 पे 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है। इसका मतलब 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी साल का गैप रहा? 2 साल का गैप रहा। आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा 92 से 97 या 90 से 92। इस टाइम पे आपको पता है कि वित्त मंत्री हमारे यहाँ मनमोहन सिंह होते हैं और यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है और भारत में आर्थिक सुधार किए गए। जो भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी उसको खोल दिया गया। हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में किसी दिन, हम आपको अगले किसी सेशन में अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे कि कैसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है, कैसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो 90, 91, 92 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद थी लेकिन हमारे यहाँ पर
बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या आ गई, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि इस दौरान भारत ने अपना बहुत सारा सोना बैंकों में गिरवी रखा और उस संकट से उबरने के लिए, उस संकट से बाहर आने के लिए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी उसको खोल दिया गया और भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था हो गया। वैसे कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है तो हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये जो 2 साल का गैप हुआ है इसमें आर्थिक सुधार हुए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 पांच साल, 9वीं पंचवर्षीय 7 में 5 जोड़ेंगे 2002 तक, 10वीं पंचवर्षीय 2002 से आप जोड़ेंगे तो 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से लेकर 12 तक और अंतिम और आखिरी पंचवर्षीय योजना जिसको 12वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं 2012 से शुरू हुई है और 2017 में खत्म हुई है। और इसके बाद भारत में नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया, भारत में कोई भी 5-ईयर प्लान नहीं बना। बोले तो योजना आयोग का काम कहां तक था तो 2017 तक, उसने जो 2012 में पंचवर्षीय योजना बना के दे दी थी उसका अंतिम टाइम आता है कब, 2017 तक। आइए, हमने इसमें थोड़ा सा पहले से जो चीजें बीच में बताई हैं वो हमने आपको पहले बता दिया। योजना अवकाश जो हमने कहा पहला कब होता है तो 66 से लेकर 69 तक आपका योजना अवकाश 3 वर्ष का है, फिर 1979 से लेकर 1980 आपका ये भी 2 वर्ष, 79 और 80 2 वर्ष का हो जाएगा। यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ जो 2 वर्ष का योजना अवकाश है इसको रोलिंग प्लान कहते हैं और इसको हम अनवरत योजना कहते हैं। अनवरत योजना कुछ नहीं होता, वार्षिक रणनीति होती है, एक एक साल की रणनीति के साथ हमने 2 साल तक वो किया और उसके बाद 80 के बाद फिर हमने 80 से 85 फिर हमने एक पंचवर्षीय योजना बना ली। और ये तो हमने आपको बता ही दिया कि 1991-1992 ये 2 वर्ष जो है यहाँ पर हमारा एक और अवकाश रहा। तो खासतौर से भारत की पंचवर्षीय योजना में कितनी बार अवकाश हुआ है जहां प्लानिंग नहीं हो करी गई 5 साल की, वो 3 है, वो मैंने आपको समझा दिया। आइए, अगला सेशन होता है और अगला जो बिंदु है वो मैंने यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य। आइए इसको और समझ लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य यहाँ जो मैंने लिखा है बस आपके पेपर के लिए ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा आप समझ लीजिए कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि हमने बताई है 51 से लेकर 56 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें लक्ष्य 2.1 का रखा गया। हालांकि ये लक्ष्य काहे का रखा गया तो वृद्धि का, हमको ग्रोथ करनी है, हम कितने प्रतिशत ग्रोथ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको आज़ादी मिली ही है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ ही हुआ है और हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई और पहली पंचवर्षीय योजना में जो हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य का मतलब है हमने जो 5 साल की रणनीति बनाई है वो रणनीति में यही कहा कि हम अपने कृषि क्षेत्रों का विकास करेंगे और बोले तो इसमें हमने किसका, तो आप बिल्कुल इतना याद रखना कि लक्ष्य रखा था 2.1% वृद्धि का और साथ ही साथ हमने किस पर विशेष बल, किस पर जोर दिया, क्योंकि आपको पता है आजादी के बाद अंग्रेज यहां से चले गए और अंग्रेज यहां से बहुत सारी चीजें लूट ले गए। हमारे यहां जो लोग थे उनको भोजन की आवश्यकता थी और आप जानते हैं भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन शुरुआत में कृषि ने ही मदद की, पहली प्लानिंग में हमने फोकस किया है, बोलो किस पे, कृषि पर। आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है 4.27% है और हमने ये लक्ष्य लगभग हासिल कर भी लिया था, लेकिन खासतौर से आप याद रखेंगे सबसे पहले वाली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर ध्यान दिया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया है। उद्योगों पर ध्यान दिया है तो आपको पता है कई इस्पात कारखाने और ये सारी चीजें लगाई थी और पहली वाली पंचवर्षीय योजना में बहुत देसी परियोजनाएं शुरू करी गई थी, ये सब चीजें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो केवल आप इतना पढ़िए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6 था, लेकिन हमने इसके आधे से भी कम मतलब 2.4% लक्ष्य हासिल किया है। ये मैंने हासिल लक्ष्य है और ये प्रस्तावित लक्ष्य है, ये अनुमानित लक्ष्य था, ये हमारा है। तो आप देखिए हमने लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाए, आधे से कम रहे, तो आपके पेपर में सवाल आएगा पांच जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजना है उनमें से वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको जो असफल मानी गई, तो असफल तीसरी पंचवर्षीय, तो आपके पेपर में आया असफल कौन सी रही है, तीसरी वाली। इसमें हमने किस पे ध्यान दिया तो हमने कृषि और उद्योगों पर ध्यान दिया, पहले में कृषि है, दूसरे में उद्योग और तीसरे में मिला दें तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना है, आपको पता है भारत युद्ध जैसी संकट से जूझा था जिसके चक्कर में हमारी पंचवर्षीय योजना में जो हमको विकास और ग्रोथ करनी थी वो हम नहीं कर पाए और ये योजना असफल हो गई। तो बिल्कुल यहाँ तक आप इसको समझ लिए हैं आप तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। आइए हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में अगर मैं बात करूं तो लक्ष्य इसका जो अनुमान रखा गया था 5.6 है और उद्देश्य था स्थायी आर्थिक विकास। तो पहले में कृषि है, दूसरे में उद्योग है, तीसरे में कृषि और उद्योग है और चौथे में है जब हमारा पेट भी मजबूत हो गया, हमारी फैक्ट्रियां और हमारा रोजगार भी मिल गया
गया, दोनों का विकास हो गया। अब हमने कहा कि हमको अपना आर्थिक विकास करना है, हर व्यक्ति के पास पैसे होने चाहिए, तो इसको कहते हैं स्थायी आर्थिक विकास। लक्ष्य बोलो कौन सी योजना का है, चौथी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं और इसमें लक्ष्य रखा गया 4.4 का, और खास तौर से आप याद रखेंगे पांचवीं पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य था गरीबी हटाओ, या गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो कह देंगे पांचवीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू किया गया, तो बोल देंगे इंदिरा गांधी। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया, बोलो पांचवीं पंचवर्षीय योजना। और पांचवीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है वही पंचवर्षीय योजना है 74 से 78 जो एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, अर्थात ये 4 वर्ष, ठीक है ना, हो जाएगा नहीं। पॉइंट क्लियर है, क्लियर। छठवीं पंचवर्षीय योजना पे अगर मैं बात करूं, तो इसको देख लीजिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना पे जब हम देखते हैं तो लक्ष्य इसका 5.2 होता है। इसमें कहा है रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, कृषि और उद्योग के बाद आप सबको पता है स्थायी आर्थिक विकास हो गया, स्थायी आर्थिक विकास के बाद गरीबी हटाओ हो गया, गरीबी हटाओ के बाद रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया। गरीबी हटेगी, अब कैसे हटेगी, तो लोगों को रोजगार दिया जाए, उनको पैसे मिले, छठवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5% है, और इसमें देखो खासतौर से ध्यान से सुनिए, आधुनिकीकरण मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नई नई चीजों को लाना, जैसे कंप्यूटर जैसी चीजें लाना, ठीक है। आत्मनिर्भरता, ये तो आप जानते हैं वर्तमान सरकार का भी बहुत तगड़ा नारा है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो ये चीज कब से चल रही है, सातवीं पंचवर्षीय योजना। और साथ ही साथ सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय जैसा टर्म कहीं आपको पेपर में लिखा मिले तो इसका मतलब आप बिल्कुल ये समझ लेना कि समाज का हर वर्ग बराबर समझा जाएगा और हर व्यक्ति को सबको बराबर न्याय दिया जाएगा, न्याय में समानता, उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था 5.6% था वृद्धि, और इसमें था मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो उद्देश्य था बोलो आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब हम बात करेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य है 6.5। इसके इसमें है क्या, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। तो देखिए ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम आर्थिक विकास की बात करें, अगर हम आर्थिक स्थायी आर्थिक विकास की बात कहेंगे तो हम चौथे में चले जाएंगे, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की बात करें तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में चले जाएंगे। दसवीं योजना में लक्ष्य पूछा जाए तो 8.1 है, और इसमें भी आप ध्यान रखेंगे क्या है, आर्थिक विकास है, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में याद हमको रखना है जो इम्पोर्टेंट है कि 9.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था, बाद में उसको 1% कम कर दिया गया और बाद में उसको 8.1। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें अनुमानित लक्ष्य को घटाया गया था, तो बेटा कौन सी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें उद्देश्य क्या है, तीव्र एवं समावेशी विकास। समावेशी का मतलब बार बार हम आर्थिक विकास कर चुके हैं, रोजगार सृजन के कार्यक्रम चला चुके हैं, गरीबी हटाने की बात कर चुके हैं, उद्योगों का विकास कर चुके हैं, कृषि का विकास कर चुके हैं, लेकिन अब कहा है समावेशी विकास। कहने का मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी डेवलपमेंट होगा उससे लाभान्वित होने वाला समाज का अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, इसी को कहते हैं समावेशी विकास। और फाइनल एंड लास्ट, जिसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजना जैसी चीज समाप्त हो गई, उसको कहते हैं 12वीं योजना। इसका लक्ष्य था 9%, और इसमें था सतत विकास। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, इसका जो लक्ष्य था, इसका जो उद्देश्य था, वो था सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है अनवरत रूप से हर क्षेत्र में विकास करना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, और आपको पता है 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई 2017 में। तो भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, तो भारत में आजादी के बाद 51 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी है और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई है। कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है, 12। पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था, योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कार्यकाल 17 तक है, इसमें कितनी बार योजना नहीं बनी, अवकाश हुआ, तो आंसर बोल देंगे हम, कौन सा वाला आंसर आपका हो जाएगा, 3। कितनी, 3, ठीक है। एक बार 3 साल का गैप रहा है, 2 बार 2 साल का गैप रहा, तो पंचवर्षीय योजना से क्या सवाल बन सकते हैं, तो उनके काल से संबंधित आप चीजें याद रखना, बिल्कुल सीधा है।
कुछ भी, और बाद में हमने आपको उद्देश्य पढ़ाए हैं वो भी याद रखना। तो काल से संबंधित अगर आप चीजें पढ़ेंगे तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 69 से 74, 66 के बाद 3 साल का गैप, 69 से 74, 74 से 78, 80 से 85, 85 से 90, 90 के बाद 2 साल का गैप, 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, और 2012 से 2017। इन चीजों को आप याद रखेंगे। कितनी बार अवकाश रहा? 3 बार। अनुव्रत योजना कब चलाएगी? 1979 और 80 में अनुव्रत योजना चलाएगी। लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहले कृषि हो जाएगा, उसके बाद उद्योग हो जाएगा, उसके बाद कृषि और उद्योग हो जाएगा, उसके बाद स्थायी आर्थिक विकास हो जाएगा, उसके बाद आपका गरीबी उन्मूलन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको याद करके जाना है। तो पढ़ाई जारी रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, अंतिम क्षण तक पढ़ते रहिए, और फाइनली पेपर को फोड़ के आइए। ऐसी कामना के साथ कल फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय।